हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्रेजी कुक मास्टर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भंडारे वाली खीर घर पर कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। ये बेहद आसान है दोस्तों। हम काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो वीडियो बनाने में लगभग 20 दिन लग गए मेरे को दोबारा से। तो इसके लिए हमने ले लिया है एक बाउल कटोरी। इसमें मैंने लगभग 100 ग्राम के आसपास ये अपनी खीर बनाने वाले वाइट चावल ले लिए हैं, और इसमें मैं अब 1 गिलास पानी ऐड कर देता हूँ। और इसको हम पानी ऐड करने के बाद इसको हम लगभग 30 से 45 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं क्योंकि चावल अच्छे से सीज जाए। इससे क्या होता है, खीर बेहद ही लाजवाब बनती है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसे अपना बर्तन रखते हैं। बर्तन रखने के बाद इसमें हम आधा गिलास पानी डालते हैं और फिर इसमें हम दूध डालते हैं। दोस्तों, मैं 1 किलो फुल क्रीम दूध ले रहा हूँ। आप के पास जो अवेलेबल हो आप वो दूध ले सकते हो क्योंकि फुल क्रीम दूध में खीर बेहद अच्छी बनती है। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और घंटे के बटन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब हम इस दूध को 1 उबाल आने तक पकाते हैं और गैस के फ्लेम को हमको मीडियम रखना है, नहीं तो दूध बाहर आ जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। ये देखो, हमारा 1 उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालते हैं अपने जो अपने भिगो के चावल रखे थे ना, वो चावल। ये दोस्तों, अब मैं इसमें ये अपने भिगे हुए चावल डाल देता हूँ। ये पानी तो मैं हटा देता हूँ ऊपर का क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, और मैं अपने ये चावल इसमें डाल देता हूँ और हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। ये देखो, और पकाने के बाद अब मैं इसमें डालता हूँ ये 5 से 7 किशमिश, ऑप्शनल है, आपको अच्छी लगे तो डाल दो, नहीं छोड़ दो। और अब किशमिश डालने के बाद इसको हम पकाते हैं और इसका स्वाद बेहद लाजवाब बनाने के लिए मैं ये ले रहा हूँ 4 से 5 इलायची, और मैं इनको अपने अच्छे से कूट लेता हूँ इलायची को। और ये मैं थोड़े से डाल दिए हैं पिस्ता। दोस्तों, ये मैंने बर्तन चेंज कर लिया है खीर बनाने वाला, उसमें वो खीर बनाने में मज़े नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपनी एक कढ़ाई ले ली है और मैंने अपने नारियल का बुरादा डाल दिया है। ये देखो, उसमें क्या हो रहा था, वो खीर मज़े नहीं आ रहे थे बनाने के क्योंकि वो छोटा था ना, तब मेरे से गलती हो गई, अब बड़ा ही लेना। और देखो, अब हम इसको अच्छे से हिलाते पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखो, ये एकदम ही भंडारे में जैसे वो खीर मिलती है ना, कभी खाई हो तो भाई बहुत ही लाजवाब मिलती है रे, मेरे को तो बहुत मज़े आते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, ये हमारी खीर लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखो दोस्तों, एक बार आप भी बनाना और ट्राई करना, बेहद आसान है। और कमेंट में बताना कैसी लगी है रेसिपी, और मिलते हैं एक नई वीडियो के और साथ।